hello and welcome to spmis academy today we'll analyze important newspaper articles of 9th march 2023 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper the first article is about international women day and this topic is important from our syllabus paper 1 essay point of view Also important for जी Paper 1 Indian Society and एंड Paper 2 Governance Perspective. देखिए कल था 8 मार्च कल का दिन इंटरनेशनल वीमेन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया भर में ताकि वीमेन के कंट्रीब्यूशन को आ, रे, रे, रेस्पेक्ट किया जा सके कॉमेमोरेट किया जा सके उसके साथ ही साथ इक्वालिटी पे एम्फेसाइज किया जा सके अभी कल का दिन न्यूज़पेपर आया नहीं 8 मार्च को असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर आया नहीं इस कारण से इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाए हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया देखिए एट्थ मार्च इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वीमेन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द डे सेलिब्रेट सोशल इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल अचीवमेंट्स तो इन जनरल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ विमेन और अचीवमेंट्स ऑफ विमेन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर डे द थीम ऑफ ट्वेंटी यानी कि दिस इयर्स इंटरनेशनल वीमेन डे इज इम्ब्रेस इक्विटी पीटी टी परस्पेक्टिव से पूछा जा सकता है सो so, देखिए आज इससे रिलेटेड वीमेन से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल आए हैं एंड ऑल दीज आर्टिकल्स हैव ट्राइड टू एनालाइज चैलेंजेस फेस्ड बाय विमेन इन डिफरेंट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड स्पेशली बाय विमेन इन इंडिया तो द आर्टिकल आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस ब्रॉड इन आर कंट्री फॉर वीमन एम्पावरमेंट साथ ही साथ हम लोग विमेन एम्पावरमेंट जेंडर पैरिटी या पैट्रीआरकी से रिलेटेड कुछ इशूज़ हमारे देश के अंदर देखेंगे और उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर्स के कोट भी देखेंगे सो लेटेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सी चैलेंजेस फेस्ड बाई वीमेन इन सोसाइटी सो अगर वीमेन के चैलेंजेस देखे जाए तो इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज आज चैलेंजेस फेस्ड विद इन द फैमिली or challenges faced outside the family so women have to face different kinds of challenges at, at different places in the society for example within the family the challenge begins right since the beginning of life itself many girl child are subjected to female feticide so the discrimination or you may say violence begins with the beginning of life itself and many women are not allowed even to have a life itself because of the discrimination in the society especially in Indian society which is guided by the idea of patriarchy, the girl child is subjected to inferior treatment agar female feticide nahihua somehow the girl survives then the next level of uh, or next types of uh, different types of uh, discrimination is faced for example inferior treatment as compared to male child in the family itself.

इम्प्लान्ट किया जाता है इम्पोज किया जाता है इन ए सब कॉन्सियस मैनर एंड दैट बिकम्स द बेसिस फॉर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू आउट द लाइफ मेल चाइल्ड के दिमाग में पहले से ही इम्पोज किया जा रहा है आप कह सकते हैं सब कॉन्शियसली इम्प्लैंट किया जा रहा है कि दे आर सुपीरियर एंड दे डिज़र्व मोर रिसोर्सेज मोर शेयर और मोर कम्फर्ट एंड एंड द वीमेन आर इन्फीरियर और ये शुरुआत होती है फैमिली से ही और ये जो आइडियाज़ हैं फैमिली के अंदर ये जो कल्चर्स हैं दीज आर गाइडेड बाय द पैट्रीआरकी पैट्रीआरकी मीन्स सुप्रमेसी टू मैन तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रक्चरल या कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं आप नहीं कह सकते कि सीधा सीधा कानून बना करके किसी भी समस्या को सॉल्व किया जा सकता है बिकॉज द सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ मैनर दैट इट इज़ प्रोपगेटिंग इन्फीरियर पोजिशन टू वेमेन एंड इट इज लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन यू सी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा सजेस्ट करता है कि द मजारिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इज डन बाय द एक्टेड रिलेटिव्स ओनली दैट प्रूव्स कि मोस्ट ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आर कमिटेड इन साइड द फैमिली इट एंड आफ्टर मैरेज मैनी वीमेन हैव टू फेस डोमेस्टिक वायलेंस फॉर डाउरी दे हैव टू फेस हरासमेंट देर हैव बिन the problems of marital rapes as well and

स्टेटमेंट गिवेन बाई द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दिया था फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस तो विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज अगेंस्ट वुमेन डिग्निटी एंड वॉयिटी ऑफ आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गारंटिंग राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल फिफ्टीन वन दैट इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नाइनटीन वन जी राइट टू चूज प्रोफेशन ऑफ चॉइस बिकॉज the sexual harassment place uh, sexual harassment of women at workplace this is the biggest hindrance in availing women the opportunity to choose profession of their choice so this is directly contravening the fundamental right guaranteed under article 19 1g 21, article 21 right to life with dignity of course uh, sexual harassment at workplace is

या डायरेक्टिव्स तक ना रख करके इसके लिए एक प्रॉपर कानून बनाया जिसके बारे में हम आगे देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस देर आर अदर लॉ एज वेल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीमन फॉर एग्जाम्पल एंटी डाउरी एक्ट दैट वॉज ब्रॉटिन नाइनटीन सिक्सटी अंडर दिस डाउरी गिवर एंड टेकर बोथ सेल बी पनिश्ड विद जेल इम्प्रीजनमेंट ऑफ़ फाइव ईयर्स हम लोग बात कर रहे थे विशाखा गाइडलाइंस की विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया 1997 में बाद में पार्लियामेंट ने विशाखा गाइडलाइंस को फर्दर स्ट्रांग तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैचूटरी प्रोविजन या कानून बना दिया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट टू और इस कानून के हिसाब से द द लॉ डिफाइंस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट मानी जाएंगी एट वर्क प्लेस तो नॉट जस्ट द एक्शन ऑफ रेप But any irritating nature, or any misbehavior, or any untoward incidents, or, or or you may say a, a teasing at workplace could be considered as a sexual harassment at workplace. Or any indecent gesture could be considered as sexual harassment at workplace under. दिस प्रिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ टू थाउजें थर्टीन दिस लॉ वॉज ब्रॉट एज ए सेट ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज विशाखा गाइडलाइंस द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में क्या क्या प्रोविजन्स है द विक्टिम कैन फाइल अ केस इन कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ मेंटल एंग्विज एंड सेक्सुअल हरासमेंट ठीक है द विक्टिम कैन मेक अ कंप्लेन एट द इंटरनल कंप्लेन कमिटी तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे दस से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वैसे सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में देयर हैज़ टू बी अ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और जो लेडी विक्टिम है या तो वो सीधा सीधा कोर्ट जा सकती है या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में वो केस रजिस्टर कर सकती है विच विल बी हेडेड बाई अ वमेन इट्सल्फ या तो फिर सी कैन रजिस्टर ए कंप्लेंट एट लोकल कंप्लेंट कमीटी इफ द वर्कर इज़ वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही लेडी है जैसे कि मेड वगैरह है अगर उसके खिलाफ इस तरह के एक्शंस होते हैं सो सी कैन गो टू अ लोकल कंप्लेंट कमीटी विच इज इस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अंडर सुपरविजन ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तो ये सारे प्रोविजन है टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अब जैसा कि हम बात कर रहे थे पैट्री आर की की पैट्री आर की इज नॉट समिंग वेरी टेंजिबल इट इज़ एन इनटेंजिबल आइडिया विच इज़ सब कॉन्सियसली स्ट्रक्चरिंग द साइक ऑफ द सोसाइटी विच गिव्स एडवांटेजियस पोजिशन टू मैन एंड इट डिस्क्रिमिनेस डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वीमेन इसी को डिफाइन किया है पैट्रीआर की यही मेन कारण है दिस इज द रूट लुक टेंजिबल चीज़ें जो चीज़ें दिखती हैं अगर कोई गलत चीज़ दिखती है आपको समाज में टेंजिबल है तो उसको आपको ठीक करना काफ़ी आसान है लेकिन जो इनटैंजिबल चीज़ें हैं सब कॉन्सियस तरीके से जो चीज़ें हमारे एक्शंस को गाइड करती हैं जो कल्चरल एस्पेक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं जो चीज़ें उनको ठीक करना थोड़ा कठिन हो जाता है एंड दैट इज़ वाई द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन इज बिकमिंग अ डिफिकल्ट टास्क टू अड्रेस बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम द पैट्रियारिकल माइंड सेट इज़

या स्टेट को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज़ बिन क्रिएटेड वाइल कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ़ द मेल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इन माइंड जिस तरीके से चीज़ें बनाई गई फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ना हमारे संविधान में भी आप प्रेसिडेंट आप को कैसे बोलते रेफर करते हैं राष्ट्रपति मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ चेयरमैन इन दुनिया के कई सारे जगहों पे द वर्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड इज चेयर मैन एट मेनी प्लेसेस नॉट जस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इस पर क्वेश्चन रेज करती हैं कैथरीन मैकेनन जैसी थिंकर्स कि आपने सरस्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है जहाँ पे आप मान के चल रहे हैं कि वीमेन आर नॉट गोइंग टू तो बी पार्ट ऑफ दिस सो दिस इज पैट्री की द माइंड सेट इज पैटरी आर की दट वीमेन आर एनी वे नॉट गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर सो द लैंग्वेज और द स्ट्रक्चर हैज़ बिन लाइक दिस विच गिव्स एडवांटेजियस पोजिशन टू वीमेन सिमिलरली साइमन डी बेवोर सी इज अ फ्रेंच थिंकर सी से वन इज नॉट बॉर्न ऑफ वुमेन बट बिकम्स वन तो इससे उनका कहना है कि वीमेन जो है देखिए मेल या फीमेल यह नेचुरल फिनोमिना है या नैचुरल कॉन्सेप्ट है बट मैन या वुमन ये सोशल या स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट इट हैज़ बिन मैनुफैक्चर और क्रिएटेड कि वीमैन को ऐसे रहना चाहिए विमेन को ज़्यादा खुल करके लोगों से बात नहीं करनी चाहिए तो जैसे कि आप देखो नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में एने बॉर्नक्स को राइट आ, आ, फ्रेंच राइटर हैं वो भी तो वो क्या लिखती हैं कि द कंसियसनेस ऑफ सेम जो शर्म या लज्जा जिसको कहते हैं सेम सेम ये अलग तरीके से इम्प्लांट किया गया है मेन में और वुमेन में कोई भी सी भी छोटी सी भी एक्टिविटी होती है मान लीजिए कि वुमेन ने छोटे कपड़े भी पहने हैं सो इट इज़ सी इज फेल्ट टू हैव अ फीलिंग ऑफ सेम फुलनेस तो सेम फुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है या आइडिया है ये अलग तरीके से समाज ने इम्पोज किया है मैन और वुमेन के ऊपर एंड दैट इज वाई सी सेज़ कि वन इज बॉर्न एज अ फीमेल वन इज नॉट बॉर्न एज अ वुमेन बट द सोसाइटी मेक्स वन और वुमेन कि आपको ऐसे कपड़े पहनने ऐसे बातचीत करने हैं ऐसे अपने आप को कंडक्ट करना है पब्लिक में ऑल सच थिंग्स लीड्स टू यू मे से हायरकली हाइर पोजिशन टू मैन एज कम्पेयर टू वुमेन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर्म आर सिलेबस जी एस पेपर थ्री इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले मैं समझना होगा अबाउट वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की इसको 1950 में बनाया गया था इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसके टोटल 187 मेंबर कंट्रीज़ हैं अगर डब्ल्यू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर इन्वायरमेंट या अर्थ एटमोसफेयर से रिलेटेड किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो यू कैन से इट होल्ड एन ऑथोरिटेटिव वॉइस ऑन स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर एज फार एज डिसीजन मेकिंग इन यूनाइटेड नेशन इज कंसर्ड इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट एंड ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन इम्पोर्टेंट फ्रॉम फिल्म पर्पेक्टिव याद रखिएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन करंट न्यूज देखते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइसन हैज रीसेंटली कम अप विथ अ न्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक नया सैटेलाइट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है डब्ल्यू ने सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग की जाएगी कौन कौन से जगह से कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है तो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन एंड टाइमली एक्सचेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑन डाटा और इससे कैसा है रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो ये इसको नाम दिया गया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे फायदा क्या होगा इट विल प्रोवाइड बेटर वेज फॉर मेजरिंग प्लानट वार्मिंग पॉल्यूशन या ग्रीन हाउस गैस इमिशन इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं तो इट विल रिजल्ट इन मच फास्टर एंड सार्पर डेटा एक्सचेंज अक्रॉस द प्लानिट एंड दैट विल हेल्प इन मोर एफिसियंट और प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग एज फार एज काउंटरिंग क्लाइमेट चेंजेस कंसर्न फॉर एग्जाम्पल पैरिस क्लाइमेट डील इसको इम्प्लीमेंट किया हमने 2020 से तो रियल टाइम में डेटा आना जरूरी है पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट क्या है टारगेट है कि जो 1850 से लेकर के 1900 तक का ये जो साल था इसको हम लोग कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल लगभग 1870 आप एवरेज मान करके चल रही है 1870 को हम लोग कहेंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल तो उस टाइम में जो एवरेज टेम्परेचर था दुनिया का एन्वायरमेंट का उससे हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़े बाय द एंड ऑफ दिस ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो सरल सी बात है और 1870 में जो ग्लोबल टेम्परेचर था एवरेज टेम्परेचर था और 2100 में जो ग्लोबल टेम्परेचर होगा एवरेज टेम्परेचर होगा उसके बीच का अंतर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो यह है पेरिस क्लाइमेट डील का गोल 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रेफरेबली और मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस लेकिन ये हम लोग अटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको अटेन करने के लिए सही ट्रैक पे है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है और वो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग हो पाएगी विद दिस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज़ बिन क्रिएटेड बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्ग्नाइेशन इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन तो थोड़ा सा अलग सवाल दिया है मैंने वर्ल्ड uh, आपको अगर पता होगा कि यूएन की कौन कौन सी स्पेशलाइज एजेंसीज हैं तो उसके बेसिस पे आप ये सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स प्रोटेक्शन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जी एस पेपर थ्री इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की अगर बात की जाए ये बर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है इसकी जनसंख्या बहुत कम बची है पूरे दुनिया भर में लगभग हार्ड हंड्रेड बर्ड्स बचे हैं पूरे दुनिया भर में दे आर कंसिडर टू be वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग birds. ज़्यादातर ये राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं लेकिन थोड़ा बहुत आप समझिए ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश कर ये कुछ ड्रिफ्ट होकर के ये लोग पाकिस्तान में भी चले जाते हैं दे हैपन टू बी स्टेट बॉर्ड ऑफ राजस्थान राजस्थान में इनको एक अलग नाम से बुलाया जाता है गोदावन एंड दीज बर्स्टर्स ग्रेट इंडियन बर्स्टर्स दे प्रिफर प्लेन ग्रास लैंड्स जहाँ तक जिससे प्लेन ग्रास से, से फ़ायदा क्या होता है कि इनका विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता इनको दूर दूर तक दिखता है ऐसे जगह को ये प्रेफर करते हैं सो दे फेवर फ्लैट ओपन लैंडस्केप विथ मिनिमल विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब हाइएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की अगर बात की जाए तो दे आर ओमनी वोरस दे प्रे ऑन वेरियस आर्थ्रोपॉड्स वोम स्मॉल मैमल्स एंड स्मॉल रेप्टाइल्स दे फेस थ्रेट ऑफ हंटिंग कोलिजन विथ पावर लाइन सी टी सी तो पावर लाइन से कोलिजन का जो एक मेन प्रॉब्लम है ग्रेट इंडियन बस्टर्स का एक तो वैसे ही जनसंख्या कम बची है इनकी और ऊपर से पावर लाइन से कोला कोलाइड कर करके बिजली के तारों से कोलाइड कर करके बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्स मर रहे हैं तो आप देखो इस तरह के बिजली के तारों से कोलाइड कर करके कई सारे ग्रेट इंडियन बलस्टर्स की डेथ हो जाती है तो इससे बचने के लिए फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक तरीका निकाला था फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर अब देखो ये वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर इस तरीके के आप समझो चिप लगाए गए या कार्ड्स लगाए गए जो थोड़ा बहुत साइन करते हैं तो दिन के टाइम में तो वैसे भी बर्स्टर्स नहीं टकराते हैं वायर से रात के टाइम में टकराने का खतरा ज़्यादा रहता है तो उस रात के टाइम में ये जो इस तरह के कार्ड्स हैं जिनको कहा जा रहा है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर दे आर एक्सपेक्टेड टू डाइवर्ट द बर्ड्स और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड्स फ्रॉम कोलाइडिंग इन टू दीज पावर लाइन्स लेकिन ये जो फायर फ्लाई डाइवर्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं ये लाया गया था 2020 में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि इस तरह के जितने भी पावर लाइंस हैं इन सब को अंडरग्राउंड किया जाए अंडरग्राउंड किया जाए राजस्थान और गुजरात में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने हाल फिलहाल में अभी करंट न्यूज देखते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार इक्कीस में कहा कि इन सबको अंडरग्राउंड किया जाए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इंप्लीमेंट करते हुए एक नया गाइडलाइन रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि ओनली द पावर लाइन्स बिलो थर्टी थ्री किलो वॉट नीड्स टू गो अंडरग्राउंड एंड रेस टू बी फिटेड विथ बायो डाइवर्टर इस पे जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट हैं या जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आ, सपोर्टर्स हैं प्रोटेक्टर्स हैं दे आर ऑब्जेक्टिंग द सी ई ए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ प्रपोजल कि सिर्फ 33 किलोवाट से ऊँचे जो पावर लाइन है ओनली पावर लाइन्स बिलो 33 थ्री किलो वाट नी टू तो गो अंडरग्राउंड उससे ऊपर वाले को नहीं अंडरग्राउंड किया जाए इसको लेकर के कंजर्वेशनिस्ट अपोज कर रहे हैं दे आर सें कि इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्स मरते रहेंगे दूसरा दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी इज अगेंस्ट द डायरेक्टिव गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो इट इज इंडियाज एपेक्स पावर रेगुलेटर टॉप मोस्ट पावर रेगुलेटर है पावर सेक्टर का रेगुलेटर है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशन होते हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ही लेता है सी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ पावर ग्रेड्स इस टॉपिक के बेसिस पर ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज रिम दिस क्वेश्चन और यू आंसर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द स्टार्ट इज अबाउट कथा साहित्य बोथम या कथा साहित्य अवार्ड ऑफ 2022 ट्वेंटी टू दिस टॉपिक इम्पॉर्ट फॉर मा सिलेबस इस पर फाइव आसमिस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फ्रॉम फिल्म सेगमेंट याद रखिएगा फिल्म पर्स्पेटिव से इमारेंट है द हाइस्ट लिटरे बॉडी हमारे स्टेट का कौन है आसाम साहित्य सभा और आसाम साहित्य सभा ने कथा साहित्य अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए चुना है खागेंद्र नाथ पाठक जी को ये अवार्ड खागेंद्र नाथ पाठक जी को दिया जा रहा है पोस्ट ह्यूमसली मरणोपरांत और इसीलिए उनके बिहाफ पे उनके बेटे इस अवार्ड को कलेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा आसाम साहित्य सभा ने एक और बुक पब्लिश की है उस बुक का नाम है सूरभिच ऑज रिसेंटली लॉन्च ये भी पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कल आपको दिया था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग क्योंकि प्रेसिडेंट जब मान लीजिए कोई भी फैसले पे जुडिशियल फैसले पे पार्डन सुनाते हैं तो प्रेसिडेंट वो फैसला सुनाते हैं एज एन एग्जीक्यूटिव हेड तो इसका मतलब है कि आप मान सकते हैं कि द प्रेसिडेंट एक्ट्स हैज सोवरेन एंड ही गोज अगेंस्ट द जुडिशियल मैंडेट और ऑफ इट्स ओन तो इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है विच से इज कि द प्रेसिडेंट नेवर गोज अगेंस्ट जुडिशियल मैंडेट प्रेसिडेंट एक्ट्स हैज एन एक्जीक्यूटिव हेड और अपने जुडिशियल मैंडेट को रिवर्स करते हुए जब वो पार्डन करते हैं सो दैट इज हाउ ही गोज अगेंस्ट द जुडिशियल मैंडट ऑफ द सवरेन सो दट इज हाउ ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट सॉल्व फ्रॉम आवर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग